सुबह उठकर, शुक्रिया किया, धन्यवाद किया, सुबह उठकर पहली सोच वो हो जो हम बनना चाहते हैं। तो पहली सोच हम करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलो एक बार, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे हमने ये बोला, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, कभी बोला था लास्ट, अभी याद है बोला था ऐसा? हमने कहा था, मैं परेशान आत्मा हूँ, मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं नाराज आत्मा हूँ। जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सोचना है, ना खुद के लिए ना औरों के लिए कभी भी गलत वाली बात बोलनी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। बोलो, मैं हमेशा खुश हूँ। जितना बोलते जाएंगे ना, मैं हमेशा खुश हूँ, खुशी बढ़ती जाएगी। इसको सिर्फ यहाँ पर क्या बोलना है वो सिखाना होता है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। अभी तक हमने इसको क्या सिखा दिया था, खुशी चाहिए, और फिर ये सिखा दिया था कि खुशी किस में मिलेगी, चीज़ों में मिलेगी। तो हम चीज़ें खरीदते रह गए ताकि चीज़ें आएंगी तो खुशी आएगी। चीज़ों से, सामान जो हम खरीदते हैं उससे हमें आराम मिलता है। अभी देखो, मैं इतने बड़े सोफे पर बैठे हूँ, वो छोटे सोफे पर बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो चौकड़ी मार के नीचे बैठा है वो कुर्सी पर बैठने वाले से ज्यादा खुश है? है नहीं? कम खुश है? नहीं। आराम कुर्सी पर ज्यादा है, शरीर का आराम कुर्सी पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मन की खुशी कुर्सी पर ज्यादा होने वाली है। लेकिन हमने ये सोचा, हम ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये आ जाएगा तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जिनके पास हमारे से ज्यादा था, हमें ईर्ष्या होने लग गई कि इनके पास सब कुछ है, हमें नहीं है, और ईर्ष्या करके हमारी खुशी क्या होती गई, घटती गई। चीजों से आराम मिलता है, चीजों से खुशी नहीं मिलती है, चीजों से, साधनों से सिर्फ आराम मिलता है। खुशी तो हमारे मन की स्थिति है। तो हमें रोज कहना है, मैं हमेशा खुश हूँ। सिर्फ खुश हूँ नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। बोलिए अब एक बार, आप रोज बोल सकते हो इस बात को एक बार। पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली बोलते ही क्या हुआ, हमने अपने आप को याद दिला दिया कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, हमारे हाथ में है। हमने अपने आप को याद दिला दिया कि परिस्थिति और लोगों का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। तीसरा, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ। बोलिए, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ। तीन संकल्प है। चौथा, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। बोलो, यहां बैठे सभी बहनें बोलो, भगवान हमेशा मेरे साथ है। कौन कौन ये रोज बोलता है, भगवान हमेशा मेरे साथ है? कभी कभी नहीं बोलना, कभी कभी नहीं बोलना है, रोज बोलना है, और दिन में कई बार बोलना है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वो हमारे साथ होता जाएगा, हम वैसे बनते जाएंगे। अगर हमें याद रहे कि भगवान हमारे साथ है, तो फिर डरने की, फिर चिंता की क्या बात है? सोचो, अभी बाहर अगर हम सड़क पे जाएं और एक छोटा सा बच्चा सड़क पार करने की कोशिश करता है, तो उसको सड़क पार करते हुए बहुत डर लगता है। वो थोड़ा आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर गाड़ी आती है, फिर पीछे जाता है, डर जाता है। लेकिन फिर वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ता है, ऐसे, एक हाथ मम्मी का, एक हाथ पापा का,
ऐसे पकड़ता है और फिर वो सड़क क्रॉस करते हैं और वो बच्चा तो बीच में सिर्फ झूला ही झूलता रहता है ना, और झूला झूलते झूलते वो सड़क पार कर लेता है, उसको इतना मजा आता है, कहते चलो वापस करते हैं, वापस करते हैं, बहुत मजा आया ये करते हुए, क्योंकि अब वो सड़क अकेले नहीं पार कर रहा, अब वो मम्मी पापा का हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहा है। वो मम्मी पापा कौन? भगवान का हाथ और साथ पकड़ के हमें सड़क क्रॉस करनी है। जीवन को अकेले नहीं क्रॉस करना है, अकेले क्रॉस करने से डर लगता है, चिंता लगती है, हम डर जाते हैं, इधर से ये गाड़ी आती है, उधर से ये बात आती है, इधर से ये बात आती है, अकेले हैं, अकेले महसूस करते हैं तो हर बात डराती है। अगर रोज अपने आप को याद दिलाएंगे भगवान मेरे साथ है, भगवान के हाथ है मेरे पर, उसकी दुआओं का हाथ हमेशा है, मैं हमेशा उसकी शक्तियों में सुरक्षित हूँ, सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वैसा बनते जाएंगे। पांचवा संकल्प, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है, बोलिए, ये भी बोल सकते हैं हमेशा, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। हम वो बोलते नहीं, लेकिन कोई बीमारी आती है तो ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, वो चार बार बोल देते हैं। कभी भी करके देखना, अगर बार बार बोला ना, बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, थका हुआ हूं, थका हुआ हूं, थका हुआ हूं, तो वो बीमारी और बढ़ती जाएगी, दर्द और बढ़ता जाएगा। संकल्प, जो सोचेंगे वैसा होता जाएगा। तो बीमार हो नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलना, मैं कैसा हूं, मैं स्वस्थ हूं। अगर थोड़ी भी तबीयत ठीक ना हो ना और कोई आकर पूछे कैसे हो, बोलो बिल्कुल परफेक्ट, स्वस्थ स्वस्थ, हेल्दी हेल्दी, परफेक्ट परफेक्ट। कभी नहीं बोलना मैं बीमार हूं, इलाज करवाना है, लेकिन ये सोचना और बोलना नहीं है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो रोज अपने आप को आशीर्वाद देना है, मेरा शरीर स्वस्थ है। पांचवा संकल्प, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है, रोज बोलना है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। और छठा संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है, बोलो मेरा घर स्वर्ग है। रोज आशीर्वाद दो अपने घर को, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। तो कुछ घर में ऊपर नीचे भी होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा उस घर को रोज आशीर्वाद देंगे, मेरा घर स्वर्ग है। तो कितने संकल्प बने, याद हो गए सारे संकल्प? एक बार फिर से बोलते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। मेरा शरीर, बोलिए आपने बोलना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, और मेरा घर स्वर्ग है। कौन कौन ये चार छह बातें याद हो गई सबको? याद हो गई? हाथ उठाओ बहने, याद हो गई बात? पहली वाली, पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरी क्या थी? मैं हमेशा खुश हूं। तीसरा, हर परिस्थिति में मैं शांत हूं। मेरे साथ कौन है? परमात्मा मेरे साथ है, उसकी दुआएं मेरी सुरक्षा है। शरीर मेरा कैसे है? स्वस्थ है। परिवार और रिश्ते कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं। और घर कैसा है? स्वर्ग है। अब एक महीने के लिए ये करेंगे, ठीक है? एक महीने के लिए क्या करना है? सुबह उठते ही जैसे ही आंख खुली, दो मिनट उधर ही बैठ जाना, और सुबह उठते ही पहले ये छह संकल्प बोल दो अच्छे से। कर सकते हैं? सुबह उठते ही छह संकल्प बोल सकते हैं? सुबह उठते ही ये छह संकल्प बोल दो, फिर दिन में हर दो तीन घंटे के बाद जब याद आ जाए, काम करते हुए भी अंदर ये संकल्प बोल दो, जब खाना बना रहे होंगे
खाना बनाते हैं ना हम, खाना बनाते हैं, खाना बनाते 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 रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, बनाते बनाते ये संकल्प उसमें डालते जाओ, शांत हो, खुश हो, शक्तिशाली हो, भगवान साथ है। ये सारी चीजें जैसे हम नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, हल्दी डालते हैं, हम ये वाली चीजें भी डालते जाएं, मैं शांत हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, घर स्वर्ग है। अगर खाना बनाते बनाते ये डाल दिया ना खाने में, 1 महीने के अंदर घर बदल जाएगा, 1 महीने के अंदर घर में रहने वाले सबकी मन की स्थिति बदल जाएगी। ये बहुत शक्ति है इस बात में। परमात्मा सिखाते हैं कि संकल्प कैसे करने हैं, सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, सुबह सुबह दिन की शुरुआत कैसे करनी है। फिर आखिरी चीज, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले ऐसे ही नहीं सो जाना है जाके, क्योंकि रात को जो हम सोचते हैं वो सारी रात हम पे काम करता है। रात के आखिरी संकल्प, 6 घंटा जब हम सोएंगे तो वो सोच हमारे मन के अंदर चलेगी, तो रात की आखिरी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। तो रात को सोने से पहले 2 मिनट फिर से बैठेंगे, ये 6 संकल्प फिर से करेंगे और सबका शुक्रिया करेंगे, और ऐसा अच्छा अच्छा सोच के जब सोएंगे तो कम नींद में सुबह हम बहुत ताजगी और फ्रेश के साथ उठेंगे, और जो हमारा आखिरी संकल्प होगा सोने से पहले वो सुबह उठते ही हमारा पहला संकल्प हो जाएगा, क्योंकि हम रात को सोने से पहले वो सोच कर सोए थे। तो कब कब करना है? सबसे पहले सुबह उठते, नोट करते जाओ कब कब करना है मन के अंदर, सबसे पहले कब करना है, सुबह उठते ही 2 मिनट बैठना है, सबका शुक्रिया करना है और ये 6 संकल्प करने हैं। फिर सारा दिन में काम करते हुए, खाना बनाते हुए, दफ्तर में काम करते हुए, पैदल चलते हुए, कुछ भी करते हुए बीच में ये संकल्प दोहरा देने हैं, फिर खाना बनाते हुए ये संकल्प डालने हैं, हर 1-2 घंटे के बाद ये संकल्प दोहराने जरूर हैं।